सबसे कम उम्र में डीआईजी बनने वाले सचिन अतुलकर की कहानी। 22 साल की उम्र में आईपीएस बने, सबसे कम उम्र के डीआईजी बन गए। आईपीएस को शादी के लिए आता है हर दिन 100 से ज्यादा प्रपोजल। बच्चा है, क्या कर पाएगा कहने वालों को आईपीएस सचिन का जवाब। ये है आईपीएस सचिन अतुलकर, इनकी कहानी हर कोई सुनना चाहता है। पहली नजर में आपको देखकर क्या लगता है, सब कुछ सामान्य जैसे बाकी आईपीएस हैं, वैसे ही सचिन अतुलकर होंगे? आईपीएस सचिन अतुलकर की कहानी बेहद दिलचस्प है। 1984 में भोपाल में जन्मे सचिन फिलहाल भारत की पुलिस के लिए एक आइकन है। अपने काम और अपने स्टाइल से शायद ही कोई इतना हिट होता है। आईपीएस अतुलकर को बचपन में किसकी बात बुरी लगी कि वो बड़े होने के बाद अब इस बाहुबली अवतार में हैं, ये आगे बताएंगे, लेकिन पहले जानिए उनकी नई कहानी। मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें प्रमोट किया है और अब वो सबसे कम उम्र के डीआईजी भी बन गए हैं। साल 2006 में जब यूपीएससी की परीक्षा में सचिन अतुलकर बैठे तो लोगों ने उन्हें बच्चा समझा और कई बार तो लोगों ने ये तक कह दिया कि ये बच्चों के बस की बात नहीं है। लेकिन सचिन ने यूपीएससी 2007 में परीक्षा पास भी कर ली और रैंक थी 258। इसके बाद ट्रेनिंग में गए तो अतुल सबसे छोटे आईपीएस थे। पहली नियुक्ति भी मिली तो भी सबसे कम उम्र में आईपीएस थे। धीरे धीरे अतुल बड़े होते गए और धीरे धीरे अतुल का कद भी बढ़ता गया। भोपाल से मध्य प्रदेश के हीरो बन गए और फिर धीरे धीरे वो पूरे उत्तर भारत के हीरो बन गए और कुछ सालों में ही वो देश के सबसे लोकप्रिय आईपीएस बन गए। सोशल मीडिया पर सचिन अतुलकर की लोकप्रियता इतनी है कि उन पर लड़कियां जान छिड़कती हैं। कई लड़कियां तो अपना घर छोड़ सचिन अतुलकर से शादी करने पहुंच गई थीं। अपनी फिटनेस की वजह से खास चर्चा में रहते हैं सचिन। सचिन अतुलकर की बॉडी के सामने सलमान भी फेल हैं। भारत की पुलिस के लिए फिलहाल सबसे लोकप्रिय आईपीएस हैं। सलमान खान ने अतुल को 2 बार बिग बॉस में बुलाया भी था। सचिन अतुलकर से शादी के लिए लड़कियां पागल हैं। बात है साल 2018 की। एक पंजाब की लड़की शादी के लिए अतुल के पास पहुंच गई। बोली, शादी नहीं की तो फिर मैं जान दे दूंगी। सोशल मीडिया पर अतुल को रोज दर्जनों ऑफर आते हैं। अभी तक उनकी शादी नहीं हुई है। इंस्टाग्राम में कमेंट का ऑप्शन बंद करके रखते हैं क्योंकि वहां कमेंट में ज्यादातर शादी को लेकर ही सवाल जवाब होते हैं। लेकिन सचिन इतने कामयाब कैसे बने, इसकी भी एक कहानी है। बॉडी को लेकर इतनी चिंता क्यों करते हैं, इसकी भी एक अलग कहानी है। आईपीएस सचिन बचपन में बहुत तेज तर्रार थे। पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी खास ध्यान था, लेकिन आमतौर पर समाज में लोग हल्के कदकाठी के बच्चों को ताना मारते हैं कि इससे क्या हो पाएगा। अक्सर सचिन के साथ भी ऐसा होता था। सचिन सब कुछ कर सकते थे, लेकिन कई बार लोग कहते थे कि कमजोर है, क्या ये बच्चा कर पाएगा। बस सचिन अतुलकर जब बड़े हुए तो उन्होंने उसी को जुनून बना लिया और बता दिया कि कोई कुछ भी कर सकता है। पहले 22 साल की उम्र में आईपीएस बने, फिर 23.5 साल की उम्र में फील्ड में तैराती मिल गई और अब 38 साल की उम्र में डीआईजी प्रमोट हो गए हैं। सचिन अतुलकर ने बीकॉम किया है। वो 1999 में राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट भी खेल चुके हैं। उन्हें 2010 में घुड़सवारी के राष्ट्रीय स्तर पर शो जंपिंग में गोल्ड मेडल भी मिला था। अभी तक लोग फिल्मों में पुलिस की वर्दी में किसी स्टार को देखकर खुश होते थे, लेकिन जब सचिन अतुलकर को देखते हैं तो मस्कुलर बॉडी के आगे कई बॉलीवुड स्टार भी फेल निकलते हैं। उनकी फिट बॉडी और दमदार पर्सनालिटी और सुपर कॉप वाली छवि की प्रसिद्धि भी किसी फिल्म स्टार से कम नहीं है।